जहां आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। राजश्री के नाम से बनाते थे ये नकली पान मसाला। पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया है। तो नामचीन ब्रांड राजश्री के नाम से बनाते थे ये नकली पान मसाला, तो बरामद कच्चे माल की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो राजश्री के नाम से बनाते थे ये नकली पान मसाला, जीजा साले मिलकर चलाते थे ये फैक्ट्री। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो किस तरह से राजश्री के नाम पर ये नकली पान मसाला बनाया जा रहा था और इसे बेचा जा रहा था, और लंबे वक्त से ये फैक्ट्री चल रही थी जिसके बाद पुलिस की ये छापेमारी देखने को मिली है। तो राजश्री के नाम से बनाते थे ये नकली पान मसाला, तो पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया है। 40 लाख कीमत बताई जा रही है कच्चे माल की। तो वही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी के आगरा से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर राजश्री के नाम से किस तरह से नकली पान मसाला का ये गोरख धंधा चल रहा था, और जिसके छापेमारी के दौरान 40 लाख की कीमत के कच्चे माल भी बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि जीजा साले मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे थे, और किस तरह से राजश्री जो कि एक ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम पर ये नकली पान मसाला बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली और छापेमारी हुई, और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रांस यमुना ने फर्जी तरीके से अवैध रैपर यूज करके भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड्स के टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक गैंग का सफल अनावरण किया है। इस गैंग के पास से बहुत भारी मात्रा में फर्जी टोबैको प्रोडक्ट्स, जिनकी मार्केट में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बरामद हुई है। थाना ट्रांस यमुना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। और इस बीच हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, इस पूरे जो जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से नामचीन ब्रांड के नाम पर नकली पान मसाला ये बनाते थे, किस तरह से पुलिस को इसकी जानकारी मिली और क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, आपको बताना चलेगा, ये पूरा मामला आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया का है, जहां पर एक नकली पान मसाला बनाने की जो फैक्ट्री है वो वहां पर चल रही थी। पुलिस को इसके बारे में जब जानकारी होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस के द्वारा जब छापामार कार्रवाई की जाती है तो जानकारी के अनुसार निकलकर ये बताया जा रहा है कि राजश्री पान मसाला के नाम से ये जो लोग हैं वो नकली पान मसाला बना रहे थे। उसी दौरान पुलिस जब कार्रवाई करती है तो मौके से पुलिस 2 लोगों को भी हिरासत में लेती है, और उसके बाद में तकरीबन पुलिस मौके से जो माल है उसे बरामद करती है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 लाख रुपए का ये जो माल है वो पुलिस के द्वारा मौके से बरामद किया गया है। वही अगर हम बात करें कि जो दोनों आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये लगातार जो आरोपी है वो राजश्री पान मसाला के नाम से नकली पान मसाला बनाने का ये काम कर रहे थे, और लगातार काफी लंबे समय से ये आरोपी जो दोनों बताए जा रहे हैं, ये दोनों ही जीजा और साले हैं, जो लगातार काफी लंबे समय से नकली पान मसाला बना रहे थे। जी नरेश, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए मार्केट में इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहे हैं, और जिस तरह से ब्रांड की कॉपी करके नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा है, एक बड़ी समस्या के तौर पर भी है। किस तरह से अधिकारी अब इस पर पूरा कदम उठाएंगे, आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम रहने वाला अधिकारियों का, और साथ ही क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए ऋतु, आपको बताना चल रही है कि लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। कई बार मार्केट में ऐसा देखा गया है कि जो ब्रांड होते हैं उन ब्रांडों की लगातार कॉपी की जाती है, और जो नकली सामान होता है वो बनाकर के बाजार में कहीं ना कहीं सेल करने का काम होता है। ऐसा ही एक मामला जब आगरा में देखा गया, जब एक जो राजश्री है उसके नाम से नकली पान मसाला बनाया जा रहा था, उसके बाद ये छापामार कार्रवाई हुई है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि इसमें 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी लगातार जारी की जा रही है कि आखिरकार ये दोनों जो आरोपी हैं वो इस नकली पान मसाले को बनाकर के किन लोगों को सेल करने का काम करते थे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो फैक्ट्री चल रही थी, इस फैक्ट्री पर जो लोग पान मसाला खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी
नरेश, इसके साथ ही कितने वक्त से ये फैक्ट्री चल रही थी और लगातार इसके जो तार है वो क्या और भी जगह से जुड़े हुए हैं? ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लीड है पुलिस के लिए भी। देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बताते चले हैं कि जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दोनों ही जो आरोपी हैं ये लगातार फैक्ट्री काफी लंबे समय से चला रहे थे, लेकिन इनका कोई एक स्थान तय नहीं था। एक महीने फैक्ट्री दूसरे स्थान चलाते थे, लगातार ये जो आरोपी हैं वो फैक्ट्री के स्थान बदलते थे और उसी दौरान ये पुलिस इन्हें काफी लंबे समय से नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन जब इनकी पुलिस को सूचना मिलती है कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया में एक नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री चल रही है, उसी के दौरान टीम गठित कर इन जब आरोपियों पर कार्रवाई होती है, वो तकरीबन मौके से 40 लाख रुपए का ये जो माल है वो बरामद होता है। ठीक है नरेश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।